नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पौष अमावस्या की संपूर्ण पूजा विधि। पितरों का तर्पण कैसे करना चाहिए, अगर आप सही से पितरों का तर्पण और पूजा विधि करते हैं तो आपको इसके व्रत का लाखों गुना फल प्राप्त होगा। आइए जानें। पौष अमावस्या संपूर्ण पूजा विधि। पौष अमावस्या के दिन पूर्वजों को याद किया जाता है, उनकी याद में श्राद्ध किए जाते हैं। इस दिन पूजा अर्चना करने से चंद्र देवता की कृपा मिलती है, ऐसा मानते हुए चंद्र देव की भी पूजा अर्चना की जाती है। पौष अमावस्या की दिन की शुरुआत नदी या तालाब में स्नान करने से होती है। स्नान करने के बाद तांबे के पात्र में शुद्ध जल लिया जाता है और सूर्य देव को जल का अर्घ दिया जाता है। जल चढ़ाने के बाद लाल पुष्प व लाल चंदन भी डाला जाता है। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद पितरों को तर्पण दिया जाता है। पौष अमावस्या के दिन दोपहर के समय पितरों के नाम से तिल और जल का पूजन किया जाता है। पीपल की पूजा की जाती है, परिक्रमा की जाती है। पौष अमावस्या के दिन दोपहर के समय पितरों के नाम से ज़रूरतमंदों तथा गरीबों को भोजन एवं धन का दान दिया जाता है। इस दिन गाय को रोटी खिलाई जाती है। हनुमान चालीसा कथा सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। पौष अमावस्या के दिन शिव पार्वती और तुलसी जी की पूजा की जाती है। पौष अमावस्या के दिन पितृदोष से मुक्ति के लिए कई जगहों पर पूजन करवाया जाता है। अगर व्यक्ति इन जगहों पर नहीं जा सकते तो वह अपने स्थान पर ही पंडित से पूजा संपन्न करवाते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए पौष अमावस्या के दिन रुद्राभिषेक भी किया जाता है। अमावस्या के दिन मनोकामना पूर्ण करने के लिए तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर परिक्रमा की जाती है। सूर्यास्त के बाद हनुमान जी के मंदिर में सरसों के तेल से दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। पौष अमावस्या के दिन शिवलिंग के पास दीपक जलाए जाते हैं। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करते हुए सुख और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए प्रार्थना किया जाता है।